तो हर किसी की फेवरेट होती है नमकीन। मार्केट से अक्सर हम नमकीन के पैकेट्स लेकर आते हैं और उस पर जो डेट लिखी होती है ना, जरूरी नहीं है कि उसको उसी डेट पर बनाया गया हो या फिर उसी डेट के बीच में बनाया गया हो, कभी कभी बहुत ज्यादा पुरानी होती है। और तेल जैसे जैसे पुराना होता जाता है उतना ही ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता जाता है। तो आज हम बहुत ही हेल्दी तरीके से घर में नमकीन बनाएंगे जो कि हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी और सेहत के लिहाज से भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रहेगी। तो कैसे बना सकते हैं पोहे के साथ नमकीन, तो आइए रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप के करीब पोहा। पोहा हमें कौन सा लेना है, हमें वही पोहा लेना है जिससे कि हम सुबह सुबह नाश्ता बनाते हैं। तो आप कोई भी भारी तली की कढ़ाई लेकर उसमें ऑयल डाल लेना, अच्छी क्वांटिटी में ऑयल डालना, फ्लेम को हाई रखना, हाई फ्लेम पर सबसे पहले तेल को गर्म कर लेना। इसके बाद में एक चलनी लेकर उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पोहा डालेंगे कुछ इस तरह से, और बस कुछ सेकंड के लिए इस तरह से भूनेंगे, निकालेंगे, ऊपर उठाएंगे और वापस से तेल में डालकर इस तरह से भून लेंगे। 2 से 3 बार आप करोगे आपका पोहा फ्राई हो जाएगा। तो इस तरह से सारा पोहा फ्राई करके रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट हम पोहा को फ्राई करने के बाद में इसमें मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। मैंने यहां पर लिए है 1 कप के करीब मूंगफली के दाने। इसको भी हम यहां पर मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर देना और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर देना। 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगेगा एक बैच को फ्राई होने में। और मूंगफली थोड़ा सा टाइम लेती है भुनने में, पर जब ये भुन जाती है तभी इसका असली टेस्ट निकल कर आता है। अगर ये कच्ची रहेगी तो आपकी नमकीन को भी खराब कर देगी। और पोहा भी जो हमने फ्राई किया था ना, वो भी अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए। अगर कच्चा रहेगा तो आपकी जो नमकीन है एकदम पिचपिची हो जाएगी, सौगी हो जाएगी। तो अच्छे से सारी चीजों को हमें फ्राई करना है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब रोस्टेड चना। ये भुना हुआ चना है, मार्केट में आपको इजिली मिल जाएगा, और इसका छिलका मैंने हटा दिया है। 1 कप के करीब भुना हुआ चना लिया है और इसको भी हम फ्राई करेंगे। सेम उसी प्रोसेस से चलनी में डालकर फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। ये भी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, प्रोटीन में रिच होती है, और आधी आधी करके मैं इसको फ्राई कर रही हूं। और आप देख सकते हैं पीछे की साइड एक चलनी मैंने रखी हुई है, पोहा मैंने उसमें डाला हुआ है फ्राई करके, मूंगफली डाली हुई है, और यहां पर जब मैं चना भून लूंगी ना तो उसको भी उसी में डाल दूंगी। वो इसलिए क्योंकि फ्राई करने के बाद भी इसमें काफी तेल होता है जो कि नीचे धीरे धीरे करके निचुड़ता है, ड्रिप होता है। तो सारा तेल हमें इसमें से निकालना है, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे निकलकर आ जाएगा, बह जाएगा। इसलिए सारे नमकीन को एक बड़ी सी चलनी में डालते जाएं। नेक्स्ट हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स इसमें स्किप भी कर सकते हैं। मैंने लिए हैं 1/4 कप के करीब बादाम, जिसको कि 2 टुकड़ों में काट कर रखा है। इसको भी हम चलनी में डाल देंगे और इसको फ्राई होने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो जैसे ही 1 से 1.5 मिनट ये फ्राई होगी, हम इसमें काजू भी डाल देंगे। 1/4 कप मैंने काजू लिया है, जिसको भी 2 टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया था, काट दिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। साथ ही जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं पसंद है या फिर अगर आप नहीं डालना चाहो तो आप ना भी डालें तब भी चलेगा। तो आप इसको ड्राई फ्रूट नमकीन भी बोल सकते हो। तो फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो, कोई स्पेशल ओकेशन है, तो आप इसको बना सकते हो। तो घर में तो वैसे हम सादा नमकीन बनाकर रख लेते हैं पोहे के साथ, कॉर्नफ्लेक्स के साथ, पर ये वाली नमकीन आप बनाकर देखना, सभी को बहुत पसंद आती है। थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट देना चाहें तो आप इसमें 1/4 कप के करीब किशमिश भी डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हो आप। तो ये देखिए 1/4 कप मैंने किशमिश डाल दी है और इसको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। लास्ट में बिल्कुल ऐड किया है, बहुत जल्दी फ्राई होती है, 30 सेकंड्स में ये फ्राई हो जाएगी। मुझे काफी आइडिया है इसको फ्राई करने का, क्योंकि मैं इसको बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने तीनों ड्राई फ्रूट्स को एक साथ ही फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो इसको अलग अलग फ्राई कर सकते हैं ताकि आपको अलग अलग दिख पाए कि कौन सा ड्राई फ्रूट आपका जल रहा है, कौन सा सिक रहा है अच्छे से, तो ये चीज आपको इजिली आप जज कर पाए। तो सारा ड्राई फ्रूट हमने फ्राई कर लिया, इसको भी हमने छलनी में डाल दिया है। नेक्स्ट हम इसमें 1/4 कप के करीब कोकोनट को फ्राई करेंगे। तो नारियल मैंने लिया है सूखा नारियल, जिसकी पतली पतली स्ट्रिप्स मैंने काट ली, तो इसको भी हम 1/2 से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और कोकोनट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, पर डालोगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस हल्का सा इसको कलर देना है, बहुत ज्यादा इसको ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी कलर पकड़ता है ये। तो देखिए हमारा जो कोकोनट है ना, ये भी फ्राई हो चुका है। आप चाहे तो इसके और भी छोटे छोटे पीसेज कर सकते हैं, मैंने इसके थोड़े से बड़े पीसेज रखे हैं। एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से थोड़ा सा झाड़ते हुए निकाल दें। अब आप देख सकते हैं हमने इसमें ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे, जिसकी वजह से ऑयल का कलर काफी चेंज हो गया है। तो यही रीजन था कि पोहे को हमने सबसे पहले फ्राई किया था। अब देखिए दोस्तों, हमारी सारी चीजें फ्राई हो चुकी हैं, तो पोहा नमकीन हम बना रहे हैं। तो कोई भी बाहरी तली की कढ़ाई ले ले और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब राई या सरसों।
साथ ही एक चम्मच जीरा डालेंगे। एक चम्मच के करीब इसमें साबुत हम धनिया का इस्तेमाल करेंगे, जिसको कि हल्का सा क्रश कर लिया है मैंने। इसके साथ ही एक चम्मच इसमें सौंफ का इस्तेमाल करेंगे, मोटी वाली सौंफ डाली है, आप चाहें तो महीन वाली भी डाल सकते हो। इन चारों चीजों को सबसे पहले अच्छे से भून लेना, और इसके साथ ही इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे, 7 से 8 हरी मिर्च बीच में से लंबाई में काट कर डाली है, आप इसको छोटा छोटा काट कर भी डाल सकते हो, और खूब सारे करी पत्ते डाल देना। तो ये देखिए हमारा बहुत ही फ्लेवरफुल सा एक तड़का बनकर रेडी हो जाएगा। इसको हम 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे ताकि करी पत्ते और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई होकर थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। इसके बाद में इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग, लगभग 2 पिंच के करीब हींग का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी यहाँ पर तड़के में ही हम डाल देंगे। तो 1 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये बहुत ज्यादा तीखी भी नहीं होती है, कलर बहुत अच्छा देगी। साथ ही 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो तड़का है ये हमारे नमकीन के लिए बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हमारी लो है, जब हमने इसमें मसाले डाले ना तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था। लो फ्लेम पर ही हम क्या करेंगे, जो हमने नमकीन फ्राई करके रखी है धीरे धीरे करके इसमें डालते जाएंगे। तो कढ़ाई छोटी है नमकीन की क्वांटिटी के हिसाब से, आप जब भी नमकीन बनाए ना तो आप थोड़ी बड़ी कढ़ाई लेना। मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अंदाज नहीं पड़ा, और जो कढ़ाई सुंदर सी होती है ना वही मैं लेती हूँ वीडियो के लिए। और आप चाहे तो घर में कोई भी कढ़ाई ले सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई जो बड़ी बड़ी हमारे घरों में होती है तो वो आप ले सकते हो, उससे आप इजिली इसको बना सकते हो। तो मिक्सिंग ईजी हो जाती है, अच्छे से मिक्स कर लेना। अब इसमें मसाले वगैरह भी हमें मिलाने हैं तो आप चाहो तो डायरेक्टली कढ़ाई में मिला सकते हो। तो ये कढ़ाई काफी छोटी है मसाले के हिसाब से, तो मैं इसको डाल रही हूँ बड़ी सी परात में। अब यहां पर इसमें ही मैं मसाले मिला दूंगी, नमक डालूंगी इसमें, सफेद नमक, काला नमक, खटाई पाउडर, मिर्च पाउडर, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर बूरा डाल सकते हो हल्का सा खट्टा मीठे टेस्ट के लिए। तो देखिए 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूं सादा सफेद नमक, 1 चम्मच जाएगा इसमें काला नमक। नमक अगर शुरुआत में आप कम ही रखना, और लास्ट में जब नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी ना तो अपने अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हो। 1/2 चम्मच के करीब जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, इसके साथ ही इसमें 1 से 1.5 चम्मच जाएगा चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर खटास के लिए। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर पिसी हुई चीनी का पाउडर 3 से 4 चम्मच, जो कि इसको बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ऐसा नहीं है पिसी हुई चीनी डालने से ना ये जो नमकीन है मीठी हो जाएगी, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक बार आप डालकर जरूर देखना। शुरुआत में आप कम डाल सकते हो, 1 से 2 चम्मच डालना, टेस्ट करके देखना, अच्छा लगे तो बढ़ा सकते हो। बस सारी नमकीन को अच्छे से मिक्स कर लेना, और पिसी हुई चीनी जो होती है ना पहले से पीस कर रखोगे तो उसमें काफी लम्स पड़ जाते हैं, रोड़ियां पड़ जाती हैं, तो उसको हाथों से थोड़ा सा तोड़ सकते हो। तो सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारी ड्राई फ्रूट नमकीन, पोहा नमकीन, चिवड़ा नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको इस तरह से बनाकर देखना, और ठंडे होने के बाद आप इसको किसी भी बॉक्स में भरकर रख सकते हो। एक बार बनाइए, महीनों तक खाइए, ऐसी ही नमकीन और खराब नहीं होती। कैसी लगी ये रेसिपी लिखकर जरूर बताना, बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।